देश भर में पशुओं की अकाल मौत के घाट उतार रहा लंपी स्किन रोग 25 दिन पहले भीलवाड़ा जिले में भी दस्तक दे चुका है। लंपी रोग से संक्रमित होने वाले पशुओं की बात करें तो इनकी संख्या 465 है और मौत का आंकड़ा देखें तो 199 पशुओं की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले में 7,05,423 पशु है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दुर्गालाल नेगर ने बताया कि कुछ समय पहले तक अजमेर व राजसमंद जिले में लंपी रोग का प्रभाव देखा गया, लेकिन अब भीलवाड़ा जिले में 4 अगस्त को लंपी रोग ने दस्तक दी है। करीब 5 तहसील इसकी चपेट में है। 28 अगस्त तक जिले में 4,065 पशु संक्रमित हो चुके हैं। इस अवधि में 189 पशुओं की मौत हो चुकी है। जिले की हमीरगढ़, कोटड़ी, मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया तहसील में भी छुटपुट मामले सामने आए हैं। संयुक्त निदेशक डॉक्टर दुर्गालाल का कहना है कि पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए डेयरी एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से अब तक 1,00,000 वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। करीब 41 गौशालाओं में पशुओं की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गौशालाओं में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का कार्य जोरों पर है। डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी से मरने वाले पशुओं की गाइडलाइन के अनुरूप निस्तारण करवाया जा रहा है। पशु की मौत के बाद जमीन में 1.5 मीटर गहरा खड्डा खोदकर नमक व चूने के साथ पशु को दबाया जा रहा है। सर, लंपी स्किन को लेकर भीलवाड़ा की क्या तैयारी? लंपी स्किन भीलवाड़ा में 4 अगस्त से अपने जिले में प्रवेश किया है इसने, और जो अजमेर जिले और राजसमंद जिले के एड ज्वाइनिंग जो तहसीलें हैं उनके अंदर इसका प्रभाव देखा गया है, और करीब 5 तहसील अपने इसके चपेट में है लंपी के। और अभी तक की कल तक की जो पोजीशन है उसके हिसाब से अपने लंपी के अंदर 4,065 जानवर संक्रमित हो चुके हैं ऐसा रिपोर्टिंग है, और 198 पशु 4 तारीख से कल 28 तारीख तक 198 जानवरों की मृत्यु हुई है। और 5 तहसीलें अपने ज़िले में ऐसी है जहां अभी लंपी का कोई छुटपुट केस नज़र आया है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हमीरगढ़ है, कोटड़ी है, मांडलगढ़ है, जहाजपुर है और बिजोलिया हैं। तो इन 5 तहसीलों में हमने डेयरी के माध्यम से और पशुपालन के माध्यम से हमने 1,00,000 वैक्सीन की मांग की थी, उसको हमने कल यानी कि 28 तारीख तक पूरे ज़िले के अंदर जहां संक्रमण की संख्या कम है वहां हमने सप्लाई कर दी है। और ज़िले में 53 गौशालाएँ हैं, उनमें से 12 गौशालाओं में इक्का दुक्का जैसे संक्रमण प्रभावी शो हुआ है, और बाकी के जो गौशालाएँ 41 गौशालाएँ उनको भी हमने वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी है, और वहाँ प्रायोरिटी के हिसाब से हम पहले गौशालाओं को वैक्सीनेट करने का काम विभाग के कर्मचारियों और डेयरी के जो व्यवस्थापक और उनके जो स्टाफ है उनके माध्यम से टीकाकरण फील्ड में करवा रहे हैं, और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो जो भी कोई लंपी से ग्रसित बीमार जानवर हैं उनसे अपने स्वस्थ जानवरों को कुछ डिस्टेंस जो भी सरकार के हिसाब से है उनको आइसोलेट करने का प्रयास करने को हम लगातार कह रहे हैं। और ये बीमारी मक्खी और मच्छर और कुछ मात्रा में चींचड़ वगैरह से फैल रही है, तो इनके नियंत्रण हेतु शाम को जैसे पशुशाला के अंदर नीम के पत्तों का धुआं करना इत्यादि और साफ सफाई का ध्यान रखना, इन बातों का विशेष तौर से लोगों को अपील कर रहे हैं ताकि ये इस बीमारी को फैलने से कम किया जा सके। गौशालाओं में क्या विशेष कोई विभाग को छिड़काव वगैरह करवा रहा हूँ? गौशालाओं में हम जैसे कोरोना के दौर में जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो कई पंचायत समितियों में ऐसे है, तो उसकी उपलब्धता के हिसाब से गौशालाओं में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2% का सॉल्यूशन छिड़काव के लिए लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, और हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी देख रेख में ये काम भी हम करवा रहे हैं। मृत पशुओं के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक विधि
इसे उनको निस्तारित करवा रहे हैं। इसमें ज़मीन में लगभग 1.5 मीटर की गहराई तक और नमक और चूने के साथ में उनको मिट्टी में JCB वगैरह से दबाने का कार्य निकाय विभाग पंचायत की ओर से ऐसा करवाने के लिए पब्लिक को और विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पशुपालों क्या पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में जैसे कुछ इम्यूनो मॉड्यूलर जो दवाइयां हैं उनको भी हम पशुओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जैसे हल्दी है, गुड़ है, इनके लड्डू वगैरह बना के और पशुओं में दे रहे हैं ताकि इससे उनकी इम्यूनिटी के बूस्टअप करने के अंदर सहयोग मिल सके। भीलवाड़ा में सर पशुओं का कितना आंकड़ा है अपने पास? भीलवाड़ा में कुल 7,05,423 पशु हैं और इनमें जो बड़ी जो तहसीलें हैं उनके अंदर हमने वैक्सीन का काम शुरू कर दिया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर दुर्गालाल, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भीलवाड़ा।